नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बैरागढ़ में दो अज्ञात लड़कों ने महिला से जालसाजी की। पुलिस के मुताबिक इंद्रानगर बैरागढ़ निवासी वर्षा मालवी 32 वर्ष गृहिणी है। उनके पति बाबूलाल मालवी की न्यू कृष्णा बुटीक नाम से दुकान है। विगत 15 नवंबर की दोपहर करीब 2:45 बजे वर्षा अपनी दुकान से घर जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में गुरु कृपा वर्कशॉप के पास करीब 2 साल का लड़का मिला और उसने विदिशा जाने का रास्ता पूछा। वर्षा ने उसे कहा कि यहाँ से सीधे चले जाओ। तभी करीब 25 साल का दूसरा लड़का वहाँ आया और उसने कहा कि छोटे वाले लड़के के पास बहुत सारे पैसे हैं, वह सोने के जेवरात खरीदने जा रहा है, उसे सोना खरीदना नहीं आता, इसलिए यदि आप अपना मंगलसूत्र व कान के टप्स दे दोगी तो हम आपको 50,000 रुपये के नोटों की गड्डी दे देंगे। उसने झोली में रखी नोटों की गड्डी भी उन्हें दिखाई। महिला दोनों लड़कों के झांसे में आ गई। इस बीच दोनों लड़के महिला के पास की गली में ले गए। वहां वर्षा मालवी ने अपना मंगलसूत्र व टॉप्स उतार कर दोनों लड़कों को दे दिए। बदले में उन लड़कों ने झोले से निकालकर नोटों की गड्डी थमा दी। फरियादी ने घर आकर नोटों की गड्डी देखी तो उसमें असली नोटों की जगह रजिस्टर के लाइनिंग वाले कागज के टुकड़े नोटों के आकार में काट कर रखे मिले। ठगी का एहसास होते ही फरियादिया अपने पति के साथ थाने पहुंची और अज्ञात दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करा दिया गया। सर, एक थाना बैरागढ़ के अंदर मामला आया है जहां जेवर देके नकली नोट देखा है। जी, क्या पूरा मामला है? एक महिला जिसके पति टेलर का व्यवसाय करते हैं, वो मार्केट में गई थी, उसको एक लड़का करीब 14-15 साल का मिला था और साथ में एक और 20-25 साल का लड़का आया, जिन्होंने उसको गुमराह करके जेवरों के बदले में ज़्यादा रुपए का लालच दे के उसको रुपए पकड़ा दिए। घर जाके उसने देखा तो वो रुपए असली ना होके कागजों की गड्डियाँ निकली। इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी क्या? अभी आरोपियों की पता साजी की जा रही है, CCTV वगैरह पे तलाश कर रहे हैं, उनके फुटेज हमें मिले हैं जिसके आधार पे आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।